नमस्कार, मैं हूं आचार्य जयदीप मिश्र। आज मैं आप लोगों को श्राद्ध के विषय में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, संसार में तीन ऋण प्रधान रूप से कहे गए हैं। देव ऋण, देवताओं का पूजन अर्चन आदि करने के बाद जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में बोने के बाद उसका कई गुना फल के रूप में प्राप्त होता है, उसी प्रकार देवताओं के निमित्त दी हुई वस्तु से हमें कई गुना वृद्धि प्राप्त होती है। अब बात करेंगे दूसरे ऋण यानी ऋषि ऋण। इसमें हमें ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान जैसे वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में ऋषियों के मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए मार्ग बताए गए हैं, उन पर चलते हुए हम अपना जीवन सार्थक कर सकेंगे। अब बात तीसरे ऋण की, अर्थात जो प्रधान पितृ ऋण है। पितृ ऋण की प्रधानता बताई गई है। यद्यपि पितृ ऋण से कोई भी ऋण नहीं हो सकता, तथापि पितरों के प्रति श्राद्ध भाव रखना उन्नति का कारण होता है। इस पितृ पक्ष में आप आसानी से श्राद्ध कर सकते हैं। इसकी विधि क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहले तो हमेशा अपने जीवित माता पिता की सेवा करें, उसके बाद उनके न होने पर उन्हें श्रद्धापूर्वक जल आदि देकर उनकी आत्मा को तृप्त करें, तथा सुखमय गृहस्थ जीवन में संतानोत्पत्ति करके उसे उत्तम शिक्षा संस्कार आदि देकर उसके जीवन को भी सरल और सुंदर बनाने में सहयोग करें, क्योंकि उत्तम संस्कारी पुत्र के द्वारा दिए हुए जल, अन्न, श्राद्ध आदि कर्म को करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। श्रद्धया विदते इति श्राद्धम, यानी कि श्रद्धापूर्वक किए हुए कार्य अर्थात अन्न, जल, वस्त्र, ब्राह्मण भोजन आदि करके इसे संपन्न किया जाता है। पितृकर्म के लिए सर्वप्रथम पुत्र का अधिकार माना गया है। पुत्र न होने की अवस्था में भाई या भाई के पुत्र या पुत्री का पुत्र तथा हित चाहने वाला मित्र भी इस कार्य को कर सकता है। यदि चार भाइयों में से किसी एक के भी पुत्र हो तो उसके द्वारा श्राद्ध आदि कर्म करके सभी पुत्रवान हो जाते हैं और सदगति प्राप्त होती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से श्राद्ध का प्रारंभ होता है। 13 सितंबर 2019 को पूर्णिमा का श्राद्ध, दान, स्नान, तर्पण आदि प्रारंभ होगा। इसके बाद 14 सितंबर 2019 को कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पितृ श्राद्ध प्रारंभ होगा। ऐसी मान्यता है कि 15 दिन के लिए हमारे पितृ पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी तिथि का श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। आपको बता दें कि इस बार 14 को प्रतिपदा और 15 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा और 28 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध अर्थात अमावस्या का श्राद्ध होगा। 16 को मध्याह्न में तिथि न मिलने के कारण श्राद्ध नहीं है। पितृपक्ष का मान प्रतिपदा से अमावस्या तक है। इस बार दसवीं और एकादशी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन होगा। अब आपको बताते हैं श्राद्ध करने की विधि। सबसे पहले श्राद्ध करने के लिए जिसके लिए भी आप श्राद्ध कर रहे हों उसकी तिथि का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस तिथि को मृत्यु हुई है उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। तिथि ज्ञात न होने की अवस्था में हम 28 सितंबर यानी जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध है उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले एक पात्र में गंगा जल मिश्रित जल लें, उसके बाद काले तिल, जौ, चावल, पुष्प और दूध आदि वस्तुएं ले लें। जनेऊ सीधा करके अर्थात सभ्य करके पहन करके चावल जल भरकर पूरब की तरफ मुंह करके देवताओं का तर्पण करें। इसके बाद ओम भू भुवः स्वः देवः त्रिप्रताम 3 बार कहकर आप देवताओं के लिए तर्पण करें। उसके पश्चात ऋषियों के लिए उत्तर की तरफ मुंह कर लें, जनेऊ को कंठी बना लें और ओम भूर हुआ स्वः ऋषयः त्रिप्यताम इन मंत्रों को 3 बार करके त्रिप्यताम 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 करके
आप ऋषियों को जल दे सकते हैं। इसके बाद पितरों को जल देने के लिए आप दक्षिण की दिशा में मुंह कर लें, जनेऊ को उल्टा कर लें और तीन तीन बार जल दें ये मंत्र पढ़ते हुए, ओम भू भुवः स्वः पितरस्त्रिपिताम। तथा जिसकी तिथि या उसका गोत्र हो उसके बाद उसका नाम लेकर के, गोत्र और नाम लेकर तस्मै स्वधा का उच्चारण करते हुए तीन बार जल दें। यदि पुरुष हो तो तस्मै स्वधा, यदि स्त्री हो तो तस्य स्वधा मंत्र बोलते हुए तर्पण करें। इसके बाद नाना और नानी को भी जल देने का विधान है। ये संक्षिप्त में श्राद्ध विधि है। इसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।